वैसे तो देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए को खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं होने के चलते ये पैसा बर्बादी की कगार पर है। जी हाँ, यह ताजा मामला दौसा जिले के बांदीकुई का है, जहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालय भी गंदगी फैला रहे हैं। दरअसल बांदीकुई नगर पालिका प्रशासन द्वारा सुलभ शौचालय जनता की सुलभ शौच व्यवस्था के लिए बनाए गए। पिछले साल भर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च करके ये गांधी पार्क में स्लब कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन में लाखों रुपए खर्च किए गए कि जिससे यहाँ के लोगों को स्वच्छ और अच्छा वातावरण मिले, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर अस्वच्छ और गंदा वातावरण, बदबूदार वातावरण यहाँ के लोगों को मिल रहा है। गांधी पार्क में लोग अच्छी हवा के लिए सुबह टहलने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर बदबू और गंदगी भरा वातावरण यहाँ देखने को मिलता है। आप देखिए, यहाँ के दुकानदार भारी गंदगी में रह रहे हैं। बार बार नगर पालिका को, SDM को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। आज अंततः हार कर हमने इस पर ताला लगा दिया है, और ये ताला जब खुलेगा, जब इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो ये ताला बंद रहेगा। लेकिन अब यही सुलभ शौचालय यहाँ के लोगों के लिए समस्या की वजह बनने लगे हैं, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन मौन है। शौचालय का गंदा पानी नालियों में ऑन है। इसी मामले को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है, और इसी आक्रोश के चलते यहां के लोगों ने सुलभ शौचालय पर ताला जड़ दिया है। पंजाब केसरी के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।